जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक में पंचम पाठ मम विद्यालय, इसके सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, आप प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप उसके हिंदी और संस्कृत दोनों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 दिया रखा है बच्चों, आम अथवा ना लिखत, हाँ या नहीं लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे गए हैं, यदि वे कथन सत्य हैं तो सत्य के लिए आपको लिखना है आम, और यदि वे कथन गलत हैं तो उसके लिए आपको लिखना है ना। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, किम मम विद्यालय सुंदर अस्ति, क्या मेरा विद्यालय सुंदर है, तो यहाँ लिखा गया है आम यानी हाँ। इसी प्रकार हमें भरना है, तो पहला दिया गया है किम विद्यालय पुस्तकालय अस्ति, क्या विद्यालय में पुस्तकालय है, तो लिखिए आम यानी हाँ। किम विद्यालय मंदिरम अस्ति, क्या विद्यालय में मंदिर है, तो नहीं विद्यालय में मंदिर नहीं है, लिखिए ना। किम विद्यालय प्रयोगशाला अस्ति, क्या विद्यालय में प्रयोगशाला है, तो लिखिए आम, क्या ये कथन सत्य है। यहाँ पे अगला कथन दिया गया है, किम विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम नास्ति, क्या विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेलने का क्षेत्र नहीं है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र हैं जहाँ पे मध्य अवकाश में छात्र खेलते हैं, तो यहाँ पे होगा ना। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दिया गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन का अर्थ है एक शब्द में, इसका उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। का प्रश्न दिया गया है, निर्मला कम विद्यालयम दर्शयति, निर्मला किसे विद्यालय दिखाती है, तो वो किसे दिखाती है। आप इस पाठ को पढ़ोगे तो शुरू में ही दिया गया है, निर्मला विजया चा विद्यालयस्य प्रांगणे वार्तालापं कुरुत, तो वो विजय को दिखाती है, तो भरेंगे विजयम। खा प्रश्न दिया गया है, प्राचार्य कक्षे कस्य चित्रम अस्ति, प्राचार्य कक्ष में किसका चित्र है, तो वहाँ पे राष्ट्रपितु महात्मा गांधी महोदयस्य का चित्र था, तो यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी महोदयस्य, क्या लिखेंगे बच्चा, महात्मा गांधी महोदय का चित्र था। कक्षायाम कति छात्रा पठन्ति, कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पंचाशात यानी 50 छात्र पढ़ते हैं। घा प्रश्न दिया गया है, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कदा क्रीडंती, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में कब खेलते हैं, तो वे मध्य अवकाश में खेलते हैं, लिखेंगे मध्य अवकाशे, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 को, चौथा प्रश्न दिया गया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, तो का दिया गया है, निर्मला विजयश्च कुत्र वार्तालापं कुरुत, निर्मला और विजय कहाँ वार्तालाप करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए निर्मला विजयश्च विद्यालयस्य प्रांगणे वार्तालापं कुरुत, निर्मला और विजय विद्यालय प्रांगण में बातें करते हैं। प्राचार्य कक्षे किम अस्ति, प्राचार्य कक्ष में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्राचार्य कक्षे राष्ट्रपितु महात्मा गांधी महोदयस्य चित्रम अस्ति, प्राचार्य कक्ष में राष्ट्रपितु महात्मा गांधी महोदयस्य का चित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, छात्रा पुस्तकालय किम पठन्ती, यानी छात्रा पुस्तकालय में क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है छात्रा पुस्तकालय विभिन्नानि पुस्तकानि समाचार पत्राणि चा पठन्ती, यानी छात्र
पुस्तकालय में अनेक पाठ्यपुस्तक समाचार पढ़ते हैं। प्रयोगशालायां छात्रा किं कुर्वन्ति, प्रयोगशाला में छात्र क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रयोगशालायां छात्रा विज्ञानस्य प्रयोगं कुरुत, प्रयोगशाला में छात्र विज्ञान के प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वर्णयोजनम कुरुत, वर्णों को संयोज करके यहाँ पे पद बनाने शब्द बनाने हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए आ जोड़ सा में हलंत जोड़ ता में हलंत और ई। बच्चों यहाँ सा में हलंत का अर्थ क्या है, सा में हलंत का अर्थ है बच्चों स्वर रहित व्यंजन। यह व्यंजन स्वर है इसके साथ, यह व्यंजन सिर्फ व्यंजन, इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी वर्ण बोलते हैं, आप लोग जानते हो कि जितने भी आ से लेकर के आ तक है इन्हें स्वर बोलते हैं, का से लेकर के ज्ञा तक है इन्हें व्यंजन बोलते हैं। तो हम जितने भी व्यंजनों का उच्चारण करें उसके साथ हमेशा स्वर लगा हुआ होता है। जैसे हम बोले का, तो का के लास्ट में आ रहा है ना, आ तो स्वर होता है। तो हम जितने भी वर्ण बोले व्यंजन वर्ण उसमें स्वर शामिल होता है। यदि हमें व्यंजनों से स्वर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, व्यंजन के नीचे हलंत लगा के स्वर को अलग कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ क क, तो इसमें स्वर शामिल नहीं है, क जोड़ सिर्फ है। तो इसी प्रकार हलंत का अर्थ है कि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। तो स्वर शामिल नहीं है तो ये आधा होगा, अधसा ता में इति अस्ति, तो आ लिखेंगे और अधसा और ता में इति अस्ति। का में उ, तो का स्वर रहित है और उ, का में स्वर उ लगेगी तो कु हो जाएगा। रा वा आ, तो रा में ऊपर रिप लगेगा और आ तो वा में यहाँ पे हो गया कुरु। और ना में आधा ना और ता में इति तो अंति कुरुवंति हो गया। आ जोड़ या जोड़ माँ जोड़ आ जोड़ या जोड़ आ जोड़ माँ हलंत तो अयम होगा अयम। पा जोड़ आ तो पा हो गया। ठा जोड़ अमिया आ तो ठमिया ठा हो गया। माँ में ई की मात्रा तो मी पठामी। इस प्रकार से आपको वर्णों का संयोजन कर लेना है। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत। मंजुषा से उचित शब्दों को चुनकर आपको मंजुषा से यहाँ पे इसे पूर्ण करना है। छात्रा प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रा प्रयोग करते हैं, तो छात्र प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में, तो भरेंगे प्रयोगशालाया यहाँ मंजुषा से। छात्राम छात्रा क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं, खेलते कहाँ है वे, क्रीड़ा क्षेत्र में, तो क्रीड़ा क्षेत्र भर देंगे। मालाकार पादपम सिंचन्ति, मालाकार पादप को सींचता है तो किसे सींचेगा, जल से, तो भरेंगे जलेन। पुस्तकालय छात्रा पठन्ति, पुस्तकालय में छात्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के पुस्तक और समाचार पत्राणी, तो समाचार पत्राणी भर देंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, तो कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में, तो विद्यालय भर देंगे।